नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा चौधरी। आज हम हेल्थ पर बात करेंगे। अगर आपके पास हेल्थ है तो आप 1 रुपए के हो। अगर आप एक घर में रहते हैं तो आप हो 10 रुपए के। अगर आपका परिवार आपके साथ रहता है तो आप हो 100 रुपए के। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तो आप हो 1000 रुपए के। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आप हो 10,000 के। अगर आप कोई नौकरी करते हो तो आप हो 1,00,000 के। अगर आप कोई बड़ी नौकरी करते हो तो आप हो 10,00,000 के। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हो तो आप हो 1 करोड़ के। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आप हो 10 करोड़ के। अगर इन सभी में आपकी हेल्थ डाउन हो जाए तो पीछे 0,00,000 बचेगा और 0 + 0 + 0 = 0। तो हमें यह याद रखना है कि हमें हमेशा अपनी हेल्थ को बनाए रखना है और हमें कभी भी इसे डाउन नहीं होने देना है। तो अभी मैं कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में बात करने वाली हूँ। हमें एक बच्चे की तरह जीवन जीना चाहिए। जीवन एक उत्सव है। हमें सुबह उठकर भरपूर पानी पीना चाहिए। यह सादा अथवा गुनगुना पानी हो सकता है। इस पानी में आप नींबू डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। हमें सुबह की पहली चाय बिना दूध वाली पीनी चाहिए। यह ग्रीन टी या हर्बल टी हो सकती है। ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड मॉडर्न फूड से ज्यादा सुपीरियर है। यह खाना हमारे शरीर से अडैप्टिव और डाइजेस्टिव है। इस प्रकार के खाने में न्यूट्रिशंस भरपूर होते हैं। हमें खाना खाने से पहले सूप पीना चाहिए। यह हमारे पेट को सॉफ्ट और गर्म करता है। हमें हमारे खाने में सलाद भी खाना चाहिए। इसमें नेचुरल सोर्स ऑफ फाइबर होता है और यह वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों का हो सकता है। हमें हमारे खाने में स्प्राउट्स को भी शामिल करना चाहिए। यह हमारी इम्यूनिटी और ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। यह चना, मूंग और मोठ हो सकता है। मूंग के स्प्राउट में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। हमें प्रोटीन और आयरन के लिए भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स भी खाने चाहिए। हमें दिन में जूसेस पीने चाहिए। यह हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को रिपेयर भी करता है। हमें खाना खाने के बाद थोड़ा सा ऑर्गेनिक जैगरी भी खाना चाहिए क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन के तौर पर काम करता है। हमें सुबह के 9 बजे से पहले हैवी किंग साइज ब्रेकफास्ट करना चाहिए क्योंकि सुबह के टाइम ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है। हमें लंच राजकुमार की तरह करना चाहिए क्योंकि ये हमें पूरे दिन भर की एनर्जी देता है। हमें शाम की 4 बजे की हाई टी के साथ कुछ खाना भी चाहिए। अगर आपको रात का खाना मिलता है तो खा लीजिए, नहीं मिलता है तो नहीं खाना है। और अगर नहीं भी खाएंगे तो भी ठीक है। हमेशा अथवा कभी कभी हमें गोल्डन मिल्क पीना चाहिए सोने से पहले। हमें सुबह उठकर नेचर की प्रेयर करनी चाहिए और हमें ये भी कहना चाहिए कि हमारा पूरा दिन अच्छा निकले। हमें सुबह उठकर फिटनेस के लिए एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जैसे कि योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एरोबिक्स और जुम्बा, और वॉकिंग भी कर सकते हैं। हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर की सर्कुलेशन को हमेशा ठीक करता है। हो सके तो हमें घर से बाहर साइकिलिंग करना चाहिए।